नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GKD के एकेडमी में दोस्तों। और आप देख रहे हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उससे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, इसमें कितने जिले हैं तथा इसकी राजधानी क्या है, इसका घनत्व क्या है। दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दादरा नगर हवेली। दोस्तों दादरा नगर हवेली में एक जिला है मात्र, ठीक है ना, वो कौन सा जिला है, खुद ही दादरा नगर हवेली ही है, ठीक है दोस्तों। और दादरा नगर हवेली का जो है राजधानी कौन सी है दोस्तों, सिलवासा है, ठीक है ना, इसकी राजधानी क्या है, सिलवासा है, ठीक है दोस्तों। और इसमें इसमें जो सबसे बड़ा शहर है दादरा नगर हवेली का, वो सिलवासा ही है, ठीक है दोस्तों। और इसमें भाषाएं कितनी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, गुजराती एवं मराठी बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना जो है तो 11 अगस्त 1961 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश आता है चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ में एक ही जिला है, ठीक है ना, वो खुद है चंडीगढ़, ठीक है दोस्तों। इसमें ये इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है दोस्तों। ये दो राज्यों की राजधानी है जो चंडीगढ़ है दोस्तों, ये दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश आता है अंडमान निकोबार, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं इसको दोस्तों। तो इसमें तीन जिले हैं, ठीक है ना, तो इसमें तीन जिले हैं। इसके पहले आप इसकी राजधानी जानिए क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाए पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी होगी, ठीक है। जो सबसे पहला जिला है दोस्तों इसका कौन सा जिला है, दक्षिणी अंडमान, और दूसरा जिला जो है तो उत्तर और मध्य अंडमान, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जिला है जो इसका निकोबार, ठीक है ना, और इसमें से सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा है, उत्तर और मध्य अंडमान, ठीक है ना। इसके तीन जिले हो गए अंडमान निकोबार के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों चौथा, तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश ही चौथा कौन सा, लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो इसमें एक जिला है मात्र, ठीक है ना, तो वो जिला कौन सा है दोस्तों, खुद एक लक्षद्वीप जिला है, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय यानी कि राजधानी इसका कौन सी है दोस्तों, करा ये कवरत्ती है, ठीक है ना दोस्तों, कवरत्ती है इसका राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों दिल्ली, ठीक है ना, तो दिल्ली एक दिल्ली जो है तो इसमें कितने जिले हैं दोस्तों, 11 जिले हैं, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं दिल्ली में कितने जिले हैं, 11 जिले कौन कौन से नाम है दोस्तों, सेंट्रल दिल्ली, ठीक है, पूर्वी दिल्ली, और एक शहदरा, और एक नई दिल्ली है, और उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, और दक्षिण पश्चिम दिल्ली, और दक्षिण पूर्वी दिल्ली एंड पश्चिम दिल्ली, ठीक है दोस्तों। तो इसके 11 जिले हो गए। तो दिल्ली की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों पांडुचेरी, ठीक है ना, तो पांडुचेरी में कितने जिले हैं दोस्तों, 4 जिले हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं ये इसके जिले, कराईकल, माहे, पांडुचेरी या यमन, ठीक है ना, इसके 4 जिले हैं। इसकी राजधानी हो गई दोस्तों कौन सी है, पांडुचेरी ही इसकी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, दवन द्वीप, ठीक है ना, ये लास्ट केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम दवन द्वीप है। इसमें 2 जिले हैं, ठीक है ना, दवन या और द्वीप, इसके 2 जिले हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है, दमन, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, दमन। तो ये रहे दोस्तों 7 केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GKD के एकेडमी, थैंक यू।